Hello kids, welcome to Kalp channel. Today I am going to explain you the topic Haldi's Adventure, which is part of Unit 1 Class 2 NCERT book Marigold. Let's start. One morning as Haldi walked to school, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सुबह हल्दी नाम की ये लड़की है जिसका नाम हल्दी है, वो अपने स्कूल जा रही थी. She met a giraffe. तो हल्दी जो है वो किससे मिली? जिराफ से मिली. द जिराफ वोर ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड. तो आप देख सकते हो ये जिराफ है, इन्होंने चश्मा पहना हुआ है. इंग्लिश में हम चश्मे को ग्लासेस बोलते हैं. बिग ग्लासेस मतलब बड़े ग्लास. आप देख सकते हो कितने बड़े ग्लासेस हैं, इसीलिए यहाँ लिखा है कि द जिराफ वोर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक. आप देख सकते हो उन्होंने अपने हाथ में बुक पकड़ी हुई है. ही स्माइल्ड एंड सेड. तो जिराफ जो है उन्होंने स्माइल किया और उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग हल्दी. तो जिराफ जो है वो हल्दी से गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, शुभ प्रभात बोल रहे हैं. हल्दी लुक्ड अप एट हिम. हल्दी जो कि छोटी सी लड़की है वो ऊपर देखती है जिराफ की तरफ. आई एम सॉरी टू स्टेयर शी सेड. तो हल्दी कहती है क्योंकि वो देख रही होती है जिराफ की तरफ, तो वो सॉरी बोलती है जिराफ से कि स्टेयर मतलब घूरना होता है, तो मैं सॉरी मैं आपको घूर रही थी, मुझे माफ कीजिएगा. बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू. तो हल्दी जो लड़की है थोड़ी शॉक्ड है, तो वो बोलती है जिराफ से कि मैं आज तक आपके जैसे जिराफ से नहीं मिली, क्योंकि जिराफ ने चश्मा पहना हुआ है, हाथ में किताब है. तो हल्दी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, तो वो जिराफ से इस तरीके से बोलती है. माय नेम इज स्माइली सेड द जिराफ. तो जिराफ जो है वो हल्दी को अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम स्माइली है. व्हेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल. तो जिराफ बताते हैं कि आप जब भी मुझे देखोगी आप हंसोगी. हल्दी वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू. हल्दी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है लेकिन वो खुश भी बहुत हो जाती है. सरप्राइज होना मतलब आश्चर्यचकित, तो खुश भी हो जाती. देन शी रिमेम्बर्ड दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल. अचानक हल्दी को याद आता है कि अरे मैं तो स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी, मतलब मुझे देर हो रही है स्कूल जाने के लिए. सो शी सेड टू द जिराफ. तो हल्दी जिराफ से बोलती है आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट. मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगेगा लेकिन मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, तो मुझे जाना होगा, मुझे तुरंत स्कूल के लिए भागना होगा, अदरवाइज मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी, मुझे देर हो जाएगी. द जिराफ सेड. तो जिराफ कहते हैं नॉट इफ यू राइड ऑन माई बैक. मतलब आप लेट नहीं होंगे अगर आप मेरी पीठ पर बैठकर चलोगे. इफ यू क्लाइंब ऑन माई बैक. तो जिराफ अपनी मुंडी नीचे कर लेते हैं और हल्दी से बोलते हैं कि आओ मेरी पीठ पर कूद के बैठ जाओ. आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल. जिराफ ने कहा कि मैं इतना तेज भागूंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप उड़कर अपने स्कूल जा रहे हो. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे. जिराफ ने हल्दी से पूछा कि क्या आप रोज स्कूल जाते हो. यस सेड हल्दी. हल्दी बोलती है हाँ. आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज ट्यूजडेज वेडनेसडेज थर्सडेज एंड फ्राइडेज. तो हल्दी अपने सारे दिन बताती है कि किस किस वीकडेज पर वो स्कूल जाती है, जैसे कि सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार. तो ये वो हफ्ते के दिन है जो दिन स्कूल जाना होता है, मंडेज ट्यूजडेज वेडनेसडेज थर्सडेज एंड फ्राइडेज. ऑन सैटरडेज आई प्ले गेम्स एट स्कूल. वो ये भी बताती है कि शनिवार के दिन मैं स्कूल में गेम खेलती हूँ. आप यहाँ देख सकते हैं हल्दी गेम खेल रही है, बैडमिंटन सॉरी टेनिस खेल रही है. वॉट डू यू डू इन स्कूल आस्क द जिराफ. तो जिराफ हल्दी से पूछते हैं कि आप स्कूल में क्या करते हो. आई लर्न अबाउट द स्टार्स द ट्रीज द बर्ड्स एंड द एनिमल्स.
तो हल्दी बताती हैं कि मैं स्कूल में तारों के बारे में, पेड़ों के बारे में, चिड़ियाओं के और जानवरों के बारे में सीखती हूँ। आप देख सकते हैं, चिड़िया बनी है, जानवर बने हैं, पेड़ बना है, स्टार्स बने हुए हैं। That is good, said the giraffe. तो जिराफ कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। I love books too. They are lots of fun. जिराफ बताते हैं कि मुझे भी बुक्स बहुत पसंद है, मुझे बहुत मजा आता है बुक्स पढ़ के। Now jump on my back. I will take you to school. तो जिराफ हल्दी से कहते हैं, अब जल्दी से मेरी पीठ पर कूद के बैठ जाओ, मैं आपको स्कूल ले चलता हूँ। हल्दी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक। हल्दी जिराफ्स के बैक पर कूद के बैठ जाती है एंड फाउंड दैट शी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप। और वो देखती है कि इतनी ऊंचाई से, क्योंकि जिराफ जो है ऊंचे होते हैं, वो देखती है काफ़ी सारी चीज़ें उसे ऊपर से दिखाई देती है, जैसे कि बहुत सारे घर, बहुत सारे, आप देख सकते हो, ये हल्दी है और ये जिराफ की पीठ पर बैठी हुई है और उसे ऊपर से चिड़िया, घर, पेड़, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। एंड बिफोर शी न्यू इट शी हैड रीच द स्कूल प्लेग्राउंड। इससे पहले कि हल्दी को पता लगता, एंड बिफोर शी न्यू इट का यही मतलब होता है कि इससे पहले कि हल्दी को पता लगता, वो अपने स्कूल पहुंच चुकी थी। आप देख सकते हैं, वो अपने स्कूल के प्लेग्राउंड ऑलरेडी पहुंच चुकी है और हल्दी को पता भी नहीं चला। शी क्लाइम डाउन। अब वो जिराफ की बैग से कूद कर नीचे अपने प्लेग्राउंड में कूद के उतर जाती है। वेन शी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ, जब हल्दी मुड़ती है वापस जिराफ को धन्यवाद बोलने के लिए, शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे। वो देखती है कि जिराफ तो चला गया। ओह, हल्दी थॉट, हल्दी सोचती है, ओह व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड, कितना मजेदार एक्सपीरियंस था, कितना अच्छा लगा। व्हाट अ वंडरफुल, वंडरफुल मतलब अच्छा लगना, एडवेंचर मतलब हम कुछ भी ऐसी चीज करते हैं जिसे करके हमें थोड़ा सा डर भी लगता है और मजा भी आता है, उसको हम एडवेंचर बोलते हैं। तो ये थी हल्दी की स्टोरी, हल्दीज एडवेंचर। होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग कल्प वीडियोज़।